शांति शांति वनस्पतय शांतिर्देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति समीहसे अभयं कुरु शन्नः कुरुजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम हैं शांति पाठ के बाद भागवत कथा के बिल्कुल आखिरी दिन, हवन वाले दिन आ गए हैं। सुबह सुबह हवन में बैठने के लिए, तो ये देखिए शांति पाठ के बाद सारा व्यवस्था हो गई है और हवन होने लग गया है। तो ये हम अपनी सेल्फी ले रहे हैं। तो भागवत कथा बहुत ही अच्छी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। आपने देखा होगा भजन मैंने डाले हैं, कोशिश करूंगी कि डे वाइज भी कुछ डाल दूं, क्योंकि बहुत ही यादें जुड़ी है इससे, बहुत ही शांति मिली। सबको धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर्स को और कथावाचक को और सारे मंडली को। तो इस तरह से देखिए, क्या क्या हुआ आगे, भंडारा भी हुआ है और परिक्रमा भी की हमने। ये शुरू हो गया है। हम थोड़ी गलत दिशा में बैठ गए थे, तो अब फिर बाद में हम सही दिशा में आके और आगे हवन के पास आहुति देने के लिए बैठे थे। तदेव स्वाशान महोत्सवानं तदेव सोकार्ण वशोषणं नृणां यदुष्टम श्लोकनुगीयते स्वाहा न तद्वदेत् चित्रम। ये भागवत की किताब है, पहली बार ही देखी मैंने इतने पास से। हो सकेगा तो मैं जरूर खरीदूंगी, हिंदी रूपांतरण की खरीदूंगी, क्योंकि संस्कृत तो इतनी आती नहीं है। और ये पूर्ण आहुति देने के लिए तैयार हो गए हैं और सामने मैंने फोटो खींची है इनके लिए। तो ये पूर्ण आहुति दे रहे हैं। बिहारी तेरी आरती राम, आरती राम प्यारे तुम घुमाई, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बसाऊ बिहारी तेरी आरती आनंद की। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो उसके बाद में हमने चार परिक्रमा की भागवत जी की और फिर बैठ गए थे हम, क्योंकि भंडारा होने वाला था। तो पहले जिसने कलश उठाया है वो बच्चों को खिला के, कन्याओं को खिला के, और कलश उठाने वालों को पहले खिलाएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं भंडारे के लिए। मीनवाइल हमने सब ने फोटो खिंचवाई। ये देखिए, ये ज्योति जी अब सेल्फी ले रहे हैं, राधे राधे। मैंने वीडियो बनाए अपने, फिर राधे राधे का तिलक मैंने गालों पे लगाया। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगा भगवान के रंग में रंग के। ये भंडारा शुरू हो गया, तो पहले कन्याओं को खिलाएंगे। और ये भंडारे की सामग्री बहुत ही टेस्टी बनी थी, पूरा ख़त्म करके और घर आ गए। देखने के लिए धन्यवाद, बाय।